नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूँ आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। शोषित वंचित दलितों की एक आवाज़, बाबा साहब। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर पूरा दुमका नीलामय हो गया, यानी नीले रंग से पट गई है। यहाँ पर जितने भी लोग आए रहे हैं बाबा साहब का माल्यार्पण कर रहे हैं। अब आइए उनसे पूछते हैं कि बाबा साहब ने उसके लिए क्या किया और बाबा साहब क्यों जरूरी है हर जनों के लिए, पूरे देश के लिए। अम्बेडकर जयंती आज हम लोग सभी मना रहे हैं यहाँ पे दुमका में, और सभी को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो उन्होंने एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी और स्वाधीनता संग्राम में भी जो साथ में अपना बहुत योगदान दिया गया था और साथ में संविधान का रचयिता बाबा अम्बेडकर के जो भी सपनों का जो है हमको साकार करना है, डेमोक्रेसी को और प्रजातंत्र को और बढ़ाना है और समानता और समरस का जो है कि एक एनवायरनमेंट हम लोग को लाना है, इसके लिए हम लोग हमेशा जो है कि आगे बढ़ चढ़कर काम करेंगे। आज के युवा कितना समझ पा रहे हैं भीम के आदर्शों को? हाँ, नहीं, भीम के आदर्शों को उन्होंने कई जो है कि किताबों में रखा है और उनके आदर्श जो है संविधान में ही रचित है और उनके संविधान की जो आगे जो कल्पना की थी और उसको जो है कि एक आईना जो है यहाँ के जो भी समाज को दिखाते हैं, चाहे वो युवा समाज हो चाहे कोई भी समाज हो। धन्यवाद। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और इस अवसर पर बाबा साहब ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे जग के लिए, पूरे भारत देश के लिए इन्होंने काम किया है और एकता के सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने अथक प्रयास से संविधान लिखा और संविधान लिख करके यह देश को एक मैसेज दिया कि सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें ताकि देश का कल्याण हो, सभी के लिए नियम कानून बनाए। आज स्वतंत्र रूप से भारत स्वतंत्र है और इसके पथ पर चलने की आज नवयुवकों की एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या आज के युवा पीढ़ी समझ पा रहे हैं संविधान को, बाबा साहब के संविधान को? बिल्कुल, धीरे धीरे समझ रहे हैं। 1950 के बाद से जो परिपाटी बदली है उसमें निश्चित रूप से बदलाव आया है और यह आगे भी रहेगा। क्या लग रहा है कि संविधान से दलित शोषित वंचित समाज आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल, बाबा साहब एक गरीबों की मसीहा थे, दलितों की मसीहा थे और इन्होंने संविधान लिख करके यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी को एकता के सूत्र में बंध करके ही आगे बढ़ सकते हैं, जल कल्याण हो सकता है। सबसे पहले जय भीम सभी को। बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर में यही कहना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। ये बाबा साहब की देन है जो हम लोग सब कुशल एकदम आज़ाद भारत में संविधान के संरक्षित के दायरे में रहते हुए हम लोग एकदम आज़ाद देश में जी रहे हैं और आज अगर हमारे पास घड़ी है, चश्मा है या जो भी है, ये सब बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब का जो मकसद था वो अभी उस पर बहुत आगे हम लोग को काम करना है, पूरा सामाजिक को लेकर के चलना है और समाज बदलेगा और जितना भी कुरीतियाँ अभी बचा हुआ है वो सब दूर होगा। क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार दास है। जय भीम, जय भारत। दलित वंचित शोषित के महानायक बाबा साहब, आज के युवा बाबा साहब को कितना समझ पा रहे हैं? सबसे पहले आपको जय भीम, पूरे देश की जनता को, झारखंड की जनता को, दुमका के लोगों को, सबको जय भीम। और सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों, गरीबों और पिछड़ों के नहीं है, बाबा साहब पूरे देश के हैं। अब आवश्यकता है बाबा साहब को पूरे देश के लोगों के द्वारा साथ करने की, लोग कर भी रहे हैं और यह कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और इस क्रम में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सभी वर्गों में बाबा साहब लोकप्रिय हैं, सभी वर्ग के लोग बाबा साहब को चाहते हैं और हम लोग आगे भी इस कारवां को बढ़ाते चलेंगे। क्या बाबा साहब का वैसा कौन सा काम जो आपको सबसे अच्छा लगता है जो युवाओं के बीच में आप लेके जाइए?
बाबा साहब ने हमारे देश के लोगों के लिए, जनता के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया। लेकिन दुख है कि इतने वर्षों के बाद भी संविधान को अक्षरशः हमारे देश में लागू नहीं किया जा सका है। आज भी आप देखेंगे कि बाबा साहब इक्वलिटी की बात करते थे, समता की बात करते थे, लेकिन समता आपको समाज में नज़र नहीं आएगा, देश में नज़र नहीं आएगा। और अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। और सबसे कमी रह गई है जो समाज है, समाज शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। एक कहावत है कि जाति नहीं, तो जब तक यह जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगा, वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं होगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में समता की अवधारणा आने वाली नहीं है। संविधान सही रूप से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? संविधान इम्प्लीमेंट करने का प्रयास तो संविधान लागू होने के साथ ही किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि अक्षरशः इसे लागू नहीं किया जा पा रहा है। और युवा पीढ़ी अधिक से अधिक बाबा साहब को जाने, इसके लिए आप लोगों का क्या पहल है, क्या करना चाहिए? हम लोग विगत कई वर्षों से दुमका में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाते आ रहे हैं। पिछले कोविड के कारण 2 वर्षों में यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। आपने देखा होगा कि विगत दिनों भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकाली गई थी, हजारों की संख्या में युवा उसमें शामिल हुए थे, सैकड़ों की संख्या में छात्र मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक भव्य तरीके से निकाला गया था। आज आप देख रहे हैं कि प्रभात फेरी निकाली गई, माल्यार्पण किया गया और अभी SP कॉलेज के परीक्षा प्रशाल में सभा होने जा रही है। तो हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, जनता जनता के बीच में बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही आज तो विशेष रूप से हम लोग संकल्प लेने का काम कर रहे हैं, हम लोग एक संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि अब बाबा साहब के विचारों को एक राजनीतिक ताकत के रूप में तब्दील किया जाए। अभी तक उनके विचार चल रहे हैं, प्रश्रय दिया जा रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। और खासकर जिस सोसाइटी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुड़े रहे हैं, जिसे दलित समाज कहा जाता है, ये कभी हरिजन हो जाता है, कभी बहुजन नहीं हो पाता है, कभी बहुजन बन रहा है, कभी हरिजन बन रहा है, लेकिन जन नहीं बन पा रहा है। तो आज हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक ताकत के रूप में हम लोग बहुजन समाज को तब्दील कर पाएँ, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को तब्दील कर पाएँ और एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर पाएँ, इसके लिए हम लोग संकल्प लेने का काम कर रहे हैं।